أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح هي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين सवाद बिन गज़िया के रसूल सल्म से इश अजीब इजहार का वाक़ कुछ में बयान हुआ था इनके बारे में मजीद तफ़सी इस तरह है कि सवाद बिन गज़िया इस जंग में फ़ाहाना शान के साथ लौटे और मशरकिन में से एक शख्स खालिद बिन हशाम को कैदी हुई बनाया और आदरत सल व्म ने बाद में इनको जंग खैबर के अंवाल जमा करने के लिए आमिल मकर फरमाया था बास के नज़दीक मंदरजह वाला वाक़वा गज़िया के अलावा सवात बिन अमर की तरफ मनसूख है लेकिन लेकिन यही लगता है कि वाक़ कोई और है और कुतुब तारीख़ खसूरत में अक्सर ये वाक़ सवाद बिन वज़िया के नाम से बयान हुआ है जब तो शिरब तो ने ख़ात नबीन में इस वाक़े के बारे में जो तफस बयान फरमाई है वो इस तरह है लिखा है कि अब रमज़ान दो हजरी की सत्रह तारीख और जुमा का दिन था और ईसवी हिसाब से 14 मार्च छः सौ तेईस ईस्वी थी सुबह उठकर सबसे पहले नमाज़ अदा की गई और प्रस्ताराने अहदियत अहदियत खुले मैदान में खुदा वाहद के हजूर सरब सजूद हुए इसके बाद आ हज़रत वसल्लम ने जहाद पर एक खुतबा फरमाया और फिर जब ज़रा रोशनी हुई तो आप सल वम ने एक तीर के इशारे से मुसलमानों की सफ़ों को दुरुस्त करना शुरू किया एक सहाबी सवाद नामी सफ़ से कुछ आगे निकला खड़ा था आपने उसे तीर के इशारे से पीछे हटने को कहा मगर इतफ़ाक से आपके तीर की लकड़ी उसके सीने पर जा लगी उसने ज़रूरत के अंदाज़ से अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आपको ख़ुदा ने हक हाँ व इंसाफ़ के साथ मबूस फरमाया मगर आपने मुझे नाहक तीर मारा है वल्ल मैं तो इसका बदला लूँगा सहाबा सहाबाग बदनदान थे हैरान परेशान थे कि स्वात तो क्या हो गया मगर आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने नहायत शफकत से फरमाया कि अच्छा सवा तुम मुझे तुम भी मुझे तीर मार लो और आप सल्ला व् ने अपने सीने से कपड़ा उठा दिया सवाद ने फरते मोहब्बत से आगे बढ़कर आपको सीना चूम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कराते हुए पूछा सवाद ये तो मैं क्या सूझी उसने रिक्क़त भरी आवाज़ में अर्ज़ किया यार रसूल दुश्मन सामने है कुछ खबर नहीं कि यहाँ से बचकर जाना मिलता है या नहीं मैंने चाहा कि शहादत से पहले आपके जसम मुबारक से अपना जसम छू जाऊँ दूसरे मावदारों ने नबी करीम की वफात के करीब इसी तरह के वाक़ा के तस्करा फरमाया है जंग बदर में नहीं बल्कि वफात के वक्त वाक़ फरमाया है जो इसे मिलता जुलता है फरमाया कि जब रसूल करीम वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया और फरमाया देखो मैं भी इंसान हूँ जैसे तुम इंसान हो मुमकिन है मुझसे तुम्हारे हकूक़ के मतलब कभी कोई ग़लती हो गई हो और मैंने तुम में से किसी को नुकसान पहुँचाया अब बजाय इसके कि मैं खुदा तला के सामने ऐसे रंग में पेश हूँ कि तुम मुदई बनो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुम में से किसी को मुझसे कोई नुकसान पहुँचा हो तो वो इसी दुनिया में मुझसे अपने नुकसान की तलाफी करा ले साहबा को रसूल करीम वसल्लम से जो उसको देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रसुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से उनके दिल पर कितनी छुरियाँ चली होंगी और किस तरह उनके दिल में रिक्कत हुई होगी चाहे ऐसा ही हुआ सहाबा पर रिक्कत आ रही हो गई उनकी आँखों से आंसू बह निकले और उनके लिए बात करना मुश्किल हो गया मगर एक सहाबी उठे और उन्होंने कहा यार रसूल जब आपने कहा है कि अगर किसी को मैंने कोई नुकसान पहुंचाया है तो वो मुझसे इसका बदला ले ले तो मैं आपसे एक बदला लेना चाहता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ जल्दी बताओ तुम्हें तो मुझसे क्या नुकसान पहुँचाए वो साहब ही कहने लगे यार रसूल फ़लां जंग के मौके पर आप सफ़े दुरुस्त करवा रहे थे कि एक सफ़ से गुजरकर आपको आगे जाने की जरूरत पेश आई आप जिस वक्त सब को चीर कर आगे गए तो आपकी कोहनी मेरी पीठ पर लग गई आज मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ सहाबा बयान करते हैं कि उस वक्त गुस्से में हमारी तलवारें में आनों से बाहर निकल रही थी हमारी आँखों से खून टपकने लगा अगर रसूल करीम अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारे सामने मौजूद ना होते तो यकीन हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देते मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पीठ उसकी तरफ मोड़ दी और फरमाया कि लो अपना बदला ले लो और मुझे भी उसी तरह कोनी मार लो उस आदमी ने कहा यार अल्लाह अभी नहीं जब आपकी कोनी मुझे लगी थी उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी और आपकी पीठ पर कपड़ा है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने नेहबा से फ़रमाया मेरी पीठ पर से कपड़ा उठा दो कि ये शख्स अपना बदला मुझसे ले ले। जब साहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की पीठ पर से कपड़ा उठा दिया तो सहाबी कांपते होठों और बहते हुए आंसुओं के साथ आगे बढ़ा और उसने रसूल करीम सल्ली वसलम की नंगी पीठ पर मोहब्बत से एक बोसा दिया और कहा यार रसोल्ला कुछ बदला और कुछ आ ये नाचीज गुलाम जिस वक्त हजूर से मुझे ये मालूम हुआ कि शायद वह वक्त करीब आ पहुँचा है जिसके तस्वर से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो मैंने चाहा कि मेरे होंठ एक दफ़ा इस बरकत जिसम को मस्क कर लें जिसे खुदा ने तमाम बरकतों का मजमू बनाया है बस मैंने इस नहीं लगने को अपना इस मकसद को पूरा करने का एक बहाना बनाया और मैंने चाहा कि आखिरी दफ़ा आपका बोसा तो ले लूँ यार रसूल कोनी लगना क्या चीज़ है हमारी तो हर चीज़ आप के लिए कुर्बान है मेरे नफ्स ने तो ये एक बहाना बनाया था तो ताक, आप ताकि आपका बोसा लेने का मौक़ा मिल जाए वो सहाबा तो उस शख्स को कत्ल करने पर आमादा हो रहे थे बड़े गुस्से में थे उस वक्त उसकी तो बात सुन के जब उन्होंने ये नज़ारा देखा कि यहाँ तो कुछ और ही बात है इसके दिल में तो वो कहते हैं कि फिर हम में से हर शख्स को अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि हमें क्यों ना ये मौका मिला कि हम अपने प्यारे का गुस्सा लेते मुस्लिम आते हैं कि वो शख्स था जो हमारा हादी और रहनुमा था यानी रसूल वसल्लम, जिसने अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे लिए वो नमूना दिखाया जिसकी मिसाल और किसी नबी में नहीं मिल सकती जंग बदर में सहाबा का शार यानी निशान का नारा क्या था इस बारे में आता है कि हज़रतलवा जुबैर से रवायत है कि जंग वाले दिन महाज्रन का शर या बनी अब्दुलरहमान था और कबीला खजरश का शर या बनी अब्दुल्ल था और कबीला औस का शरार या बनी उबैदल्ला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुड़सवारों को खैल्ला का नाम दिया था एक रिवायत ये भी है कि इस इस रोज़ सब सबका शार या मंसूर हो अमित था यानी मंसूर मार दो एक रिवायत में है कि गज़बर में अंसार मदीना का शार बयान किया निशान या नारा आह आह था जो इसलिए मुतिन किया गया था कि रात के अंधेरे में या बेघत घुमसान की लड़ाई में इस नारे से पहचाना जा सके कि ये अंसारी हैं इसी तरह महाजरीन मुसलमानों का शार ना या नारा या वनी अब्दुलरहमान था रसूल करीम सल्लाम की जंग के मतलब हदायात जो थी, उनकी मज़ीद तफसील इस तरह बयान हुई है कि जब रसूल करीम सल वम ने सफ़ों को सीधा कर लिया तो साहबा से फ़रमाया जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ तुम हमला न करना और अगर दुश्मन तुमसे करीब आ जाए तो उनको तीर अंदाजी करके पीछे धकेलना क्योंकि फासले से तीर अंदाजी कर अक्सर अवात बेकार साबित होती है और तीर ज़ाया होते रहते हैं इसी तरह तलवारें भी उस वक्त तक न सौंपना जब तक दुश्मन बिल्कुल करीब ना आ जाए रसूर करीम सलीम के खुतबे का जिक्र आता है आ हजूर सल्लम ने साहबा के सामने खुतबा दिया जिसमें जहाद की तरगीब दी और सब्र की तलकिन फरमाई नीज़ फरमाया मुसीबत के वक्त सब्र करने से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाता है और ग़मों से नजात अता फरमाता है एक जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ुतबा जो है उसकी तफ़ी इस तरह बयान हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की त हमदोसना बयान की और फरमाया मैं, मैं तुम्हें इस बात पर उभारता हूँ जिस पर अल्लाह ने उभारा है और उस चीज़ से तुम्हें मना करता हूँ जिससे उसने तुम्हें मना किया है अल्लाह ताला जो बुज़ुर्गो बरतर है वो तुम्हें हक़ का हुक्म देता है वो सच्चाई को पसंद करता है वो नेकोकारों को बुलंद फरमाता है जो उसके यहाँ मौजूद हैं इसके साथ उनका तस्करा होता है इसके साथ वो एक दूसरे से सबको तय जाने की कोशिश करते हैं और आज तुम हक़ की मनाजर में से एक मंजिल पर हो इसमें अल्लाह ताली वही कबूल करता है जो उसकी रज़ा के लिए किया जाता है सख्ती के मकाम में सब्र ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह गम को दूर कर देता है दुख से निजात देता है आखिरत में उसके साथ निजात पाओगे इसके साथ निजात पाओगे यानी सब्र दिखाने के लिए तुम में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है वो तुम्हें डराता है और हुक्म देता है कि आज अल्लाह से हया करो कि वो तुम्हारे मामले में किसी ऐसी चीज़ से आगाह हो जो उसकी नाराज़गी का सबब बने अल्लाह ताला फरमाता है लमकतुल्ल अकबर हो मिनमक हूँ अनफोसक हूँ अल्लाह की नाराज़गी तुम्हारी आपस की नाराजगियों के मुकाबले पर ज़्यादा बड़ी थी इस चीज़ की तरफ देखो जिसका उसने तुम्हें किताब में हुक्म दिया है और उसने तुम्हें अपने निशानात दिखाए हैं और जिल्लत के बाद तुम्हें इज़्ज़त बख्शी है अल्लाह का दामन मजबूती से थाम लो कि वो तुमसे राज़ी हो जाए इस जगह तुम अपने रब की आजमाइश पर पूरा उतरो तुम उसकी रहमत और मफफरत के मुस्क हो जाओगे जिसका उसने तुमसे वादा किया है इसका वादा हक है उसकी बात सच है उसकी सजा शदीद है मैं और तुम लोग अल्लाह के साथ हैं जो हैयो के यूम है हम इससे अपनी फ़तह के ये दुआ करते हैं उसका दामन थामते हैं उसी पर तोल करते हैं उसी की तरफ लौट कर जाना है अल्लाह ताला हमें और मुसलमानों को बख्शते ये उसकी तफसील थी <coughs> जंग के दौरान बाद लोगों को कत्ल करने की हमने कत्ल कर करने से ने रोका भी था इस बारे में आता है हजरतमनबाश बयान करते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने जंग बदर के दिन अपने असाब से फरमाया था कि मुझे पता चला है कि बनू हाशिम और कुछ दूसरे लोग के साथ मजबूरन आए हैं खुशी से नहीं आए वो हमसे लड़ना नहीं चाहते बस तुम में से जो कोई बनू हाशम के किसी आदमी से मिले तो वो उसको कत्ल ना करे और जो अबुल बख्तरी से मिले वो उसको कत्ल ना करे और जो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनसे मिले तो वो उनको भी कत्ल ना करे क्योंकि ये लोग मजबूरा क्रैश के साथ आए हजत बबन अब्बास बयान करते हैं कि हजत हुज़ैफा बिन उतवा ने कहा कि हम अपने बापों बेटों भाइयों और रिश्तेदारों को तो कत्ल करें और अब्बास को छोड़ दें अल्लाह की कसम अगर मैं इसे यानी बास को मिला तो मैं तलवार से ज़रूर उसे कत्ल कर दूँगा रावी कहते हैं कि ये खबर रसूल अलैहि वसल्लम को पहुँची तो आप हजरत उम्र बिन खताब से फरमाया ए अबू हफ्स हजरत उमर कहते हैं कि अल्लाह की कसम ये पहला दिन था कि जब रसूल ने मुझे अबू हफ्स की कोनीत से मुखातब फ़रमाया था आप ने फरमाया कि क्या रसूलुल्लाह के चचा पर तलवार मारी जाएगी हजत उम्र ने अर्ज किया यार रसूलुल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँ यानी अबू अबू उजैफ़ा की जिसने मुनाफत दिखाई है फरमाया अर्ज़ किया कि अल्लाह की कसम इसने यानी अबू उजैफा ने मुनाफत दिखाई है हजरत अबू अजैफ़ा बाद में कहा करते थे कि मैं इस कलमे की वजह से जो मैंने उस दिन कहा था चैन में नहीं रहा और हमेशा इससे डरता रहा सुबह इसके एक शहादत मेरी इस बात का गुफारा कर दे चाच हजतबैफ़ा जंग जमामा के दिन शहीद हो गए तो मिर्ज़ा बशीरम साहब ने लिखा है कि आ वसल्लम ने नेहबा से मुखातब होकर यह भी फ़रमाया कि लश्कर कुफार में बाद ऐसे लोग भी शामिल हैं इसी तसील के बारे में जो अपने दिल की खुशी से इस मुहिम में शामिल नहीं हुए बल्कि रवसाए कुरैश के दबाव की वजह से शामिल हो गए हैं वरना वो दिल में हमारे मुखालिफ नहीं इसी तरह बज ऐसे लोग भी इस लश्कर में शामिल हैं जिन्होंने मक्के में हमारी मुसीबत के वक्त हमसे शरीफाना सलूक किया था और हमारा फ़र्ज़ है कि उनके एहसान का बदलाव उतारें उनकी उस शराफत की वजह से जो में करते रहे मुसलमानों से बस अगर किसी ऐसे शख्स पर कोई मुसलमान गलबा पाए तो उसे किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचाए और आपने खूसियत के साथ किस्म अव्वल में अब्बास में मुतलिब और किस्म षानी में बख्तरी का नाम लिया और इनके कत्ल से मना फरमाया मगर ये लोग मुसलमानों की तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करते थे इसलिए मना फरमाया मगर हालात ने कुछ हँसी नागज़ीर सूरत अख्तियार की कि अबुल बख्तरी कत्ल से बच ना सका गो उसे मरने से कबल इस बात का इलम हो गया था कि आ हज़रत सल्ला ने उसके कत्ल से मना फरमाया तारीख़ में आता है कि इसके बाद आँ हज़ूर सल साहिबान में जाकर फिर दुआ में मशगूल हो गए जो जगह बनाई गई थी आपके लिए हजत भी साथ थे और साहिबान के इर्द अनसार की एक जमात साद बिन बवाज़ की जेर कमान पैरे पर मुतन थी हजतब्बास ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल फरमाया और आप बद्र के दिन एक बड़े खेमा में थे कि अल्लाह मनीदों का अहदक व वादक अल्लाहुम्मा मां लम तोबत बादल यौम कि मेरे अल्लाह मैं तुझे तेरे ही है और तेरे ही वादे की कसम देता हूँ ऐ मेरे रब अगर तू ही मुसलमानों की तबाही चाहता है तो आज के बाद तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा इतने में मदद कर हो रहे ने आपका हाथ पकड़ लिया उन्होंने कहा रसूल अल्लाह बस कीजिए आप ने अपने रब से दुआ मांगने में बहुत इसरार कर लिया है और आप ज़रा पहने हुए थे यानी आम वम ज़रा पहने हुए थे आप खेमे से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ रहे थे सयोजमजुमो व्लू वल्लू दुबर भले सात माह हूँ व सात अदहा अमर अनकरीब ये सब के सब शिकस्त खा जाएंगे और पीठ फेर देंगे और यही वो घड़ी है जिससे डराए गए थे और ये घड़ी नहायत सख्त और नहायत तलख है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हजरत उमर बिन खताब ने मुझसे बयान किया बदर वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरकों को देखा वो एक हज़ार थे और आपके सहाबा तीन सौ उन्नीस थे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने किबले की तरफ मुँह किया फिर अपने दोनों हाथ फैलाए और अपने रब को बुलंद आवाज़ से पुकारते रहे अल्लाहुम्मा माव तनी अल्लाहुम्मा आते माव तनी अल्लाम तहलिक अहले मिनाहम ला फिल अर्स यानी ए अल्लाह जो तूने मेरे साथ वादा किया है उसे पूरा फरमा ए अल्लाह जो तूने मुझसे वादा किया है वो मुझे अदा फरमा ए अल्लाह अगर तू तूने मुसलमानों का ये ग्रोह हलाक कर दिया तो ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं की जाएगी किबला की तरह मुँह किए दोनों हाथ फैलाए आप मुसलसल मस, अपने रब को बुलंद आवाज़ से पुकारते रहे यहाँ तक कि आपकी चादर आपके कंधों से गिर गई रस्तू वकर आपके पास आए और आपकी चादर उठाई और आपके कंधों पर डाल दी फिर आप रसूल वसलम को पीछे से चिमट गए और अर्ज़ किया ए अल्लाह के नबी आपकी अपने रब के हजूर इल्हास से भरी हुई दुआ आपके लिए काफ़ी है वो आपसे किए गए वादे ज़रूर पूरे फरमाएगा इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नादल फरमाई इस तस्तगी होना, इस तस्तगी होना, रबकुम फस्त जाबाली मुमिदोकुम फमिनमलायक मुरदफी जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे उसने तुम्हारी इल्तिजा को कबूल कर लिया इस वादे के साथ कि मैं ज़रूर एक हज़ार कतार दर कतार फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा बस अल्लाह ने मलायिका के ज़रिए आपकी मदद फरमाई सही मुस्लिम की रिवायत है जिस वाक़ा को हजन शिर ने किताब में इस तरह बयान फरमाया है कि आप साबान में जाकर दुआ में मशगूल हो गए हजू वकर भी साथ थे और साहिबान के इर्द गिर्द अनसार की एक जमात सात भी नमाज़ की ज़र कमान पैरा पर मुतन थी थोड़ी देर के बाद मैदान में से एक शोर बुलंद हुआ और मालूम हुआ कि कुरैश के लश्कर ने आम हमला कर दिया है उस वक्त आ हज़रतली वसम नेायत रिक्त की हालत में खुदा के सामने हाथ फैलाए हुए दुआएँ कर रहे थे और नहायत तराब की हालत में फमा रहे थे कि किल्लामी इन्नी अनशद का आहदा का वादा का, का अल्लाह मा तहलिक हाज हिलसाबत मन अःलाम ला तो फिलस ए मेरे खुदा अपने वादों को पूरा करो ए मेरे मालिक अगर मुसलमानों की ये जमात आज इस मैदान में, में हलाक हो गई तो दुनिया में तुझे पूछने वाला कोई नहीं रहेगा और उस वक्त आप इस क़दर करब की हालत में थे कि कभी आप सजदे में गिर जाते थे और कभी खड़े होकर खुदा को पुकारते थे और आपकी चादर आपके कंधों से गिर गिर पड़ती थी और हजत वे उठा कर उठा उठा कर आप पर डाल देते थे हज़रतली कहते हैं कि मुझे लड़ते हुए यहाँ हज़र सल्लाम का ख्याल आता था तो मैं आपके साहिबान की तरफ़ भागा जाता लेकिन जब मैं जब भी मैं गया मैंने आपको सईद में गिरते हुए पाया और मैंने सुना कि आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज जारी थे कि या है या क्यों या यो या कूँ यानी ऐ मेरे ज़िंदा खुदा ऐ मेरे ज़िंदगी बख्शा का हज़त उबकर आपकी इस हालत को देख कर बेचैन हुए जाते थे और कभी कभी वे साख्ता अर्ज करते थे या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों आप घबराएं नहीं अल्लाह आप अपने वादे ज़रूर पूरे करेगा अल्लाह अपने वादे ज़रूर पूरे करेगा मगर इस सच्चे मकूला के मुताबिक खारसी का मकूला है कि हर के आरिफ तरस रस तरस तर यानी हर कोई जो जितनी मार्फत रखता है उतना ही वो डरता भी है आ हादर रसलम बराबर दुआ और गिर आजारी में मसरूफ रहे तो कुल क्या है इसकी वजहत करते हुए मुस्लिम महद ने ये बयान वाक़ बयान फरमाया है फरमाते हैं कि रसूल करीम सल वसम ने बदर के मुक़ाम पर सबा की एक तरतीब कायम की उनको अपनी अपनी जगहों पर खड़ा किया उन्हें नसीहतें कें कि यूँ लड़ना है और उसके बाद एक अर्शे भर बैठ कर दुआएँ करने लग गए ये नहीं किया कि सहबा को मदीना में छोड़ जाते और आप अकेले वहाँ बैठ कर दुआएँ लग जाते बल्कि पहले आप सहाबा को लेकर मुकाम जंग पर पहुँचे फिर उनको तरतीब दी और उनको नसीहतें फरमाई इसके बाद अरशे पर बैठ गए और दुआएँ करनी शुरू कर दी ये तो है जो इख्तियार करना चाहिए यानी उसबाब का भी इस्तेमाल हो तो जो इंसान जो कुछ कर सकता है अपनी कोशिशें वो करे और फिर दावों में लग जाए इसको तोकिल कहते हैं हजर मसीम फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में बार बार आ हज़रत वसल्लम को काफरों पर फतह पाने का वादा दिया गया था मगर तो जब बदर की लड़ाई शुरू हुई जो इस्लाम की पहली लड़ाई थी तो आ हज़रत अलैहि वसल्लम ने रोना और दुआ करना शुरू किया और दुआ करते करते ये अल्फाज आ हज़रत सल्ल्हम के मुँह से निकले कि अल्लाह माइन अहलकता हाज ही ले साबाता वलन तो अबादा फिर अर्ज़ अबद यानी मेरे ख़ुदा अगर आज तूने इस जमात को जो सिर्फ़ तीन सौ तेरह आदमी थे हलाक कर दिया तो फिर क़्यामत तक कोई तेरी बंदगी नहीं करेगा इन अल्फाज को जब हजरत बकरी तनों ने आ हज़रत सल्ल के मुँह से सुना तो अर्ज़ की कि या रसूल सल्लासम आप इस कदर बेकरार क्यों होते हैं खुदा ताला ने तो आपको पुख्ता वादा दे रखा है कि मैं फ़तह दूंगा आपने फरमाया कि ये सच है मगर उसकी बेनियाजी पर मेरी नज़र है यानी किसी वादे का पूरा करना खुदा ताला पर हक़ वाजब नहीं है अल्लाह तड़ा बेनियाज है इसलिए हमें हर दफ़ा हर वक्त खौफ रहना चाहिए फिक्रमंद रहना चाहिए जब आप साहिबान में दुआ कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम पर ऊँग तारी हुई फिर जकायक बेदार हुए और फरमाया ए बकर खुश हो जाओ तुम्हारे पर की मदद आ गई है यह देखो जिब्राइल अपने घोड़े की बाग थामे उसे चलाते आ रहे हैं उसके पाँव पर गुबार के निशान हैं सरत्याम की रिवायत है फिर एक रिवायत में है कि हजूर सल् ने फरमाया कि अबू बकर तुम्हें बशारत हो ये जब्राइल हैं जो जर्द अमामा पहने हुए हैं वो ज़मीन और आसमान के मुबेन अपने घोड़ों की लगाम थामे हुए हैं जब वो ज़मीन पर उतरे तो कुछ देर के लिए मुझसे गायब हुए फिर नमोदार हुए उनके घोड़े के पाँव गुबार आलू थे वो कह रहे थे कि जब आपने दुआ मांगी है तो अल्लाह की नुसरत आपके पास आ गई है जंग बदर में जंग में की शमूलियत शमूलियत के बारे में लिखा है कि मैदान बदर में नबी अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर बिन आवा को मैमना पर मुकरर किया मकदाद बिन अमर को मैसरा पर और कैस बिन अभी सासा को साका यानी प्यादा फौज पर मुकर किया लश्कर के बिलमूम की आदत अलैहि वसल्लम के हाथ में थी अलैहि वसल्लम अगली सफ़ों में थे नबी वसल्लम तमाम समाम को अपनी हदायत का प्रवान किया आप अलैहि वसल्लम फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक पेशकदमी ना करे जब तक मैं इसके आगे ना हों इसी तरह नबी अक्रम सल्लम ने असल है कि वाह मकसद इस्तेमाल की तरकीब देते हुए फरमाया जब दुश्मन तुम्हारे पॉँच में आ जाए तो तीर चलाना और तीरों को हतलिम इमकान बचा कर रखना ये जो बैठ के दुआ करने का जो सारा सा बयान हुआ है ये उस पूरी जंग शुरू होने से पहले का वाक्य है क्योंकि वो लिखा इस तरह की समझ होता है कि शायद आसलम जंग में शामिल नहीं हुए आप शामिल थे लेकिन ये दुआ उससे पहले आपने की जिसके नतीजे में कश्तों की मदद भी अल्ला ताली ने भेजी बहरा आल है कि बदर के मैदान का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली शिरकत के बारे में हजतली बयान करते हैं कि हम बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लेते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के करीब दर थे उस दिन आपली वम सब मुजाहिदीन से ज़्यादा सख्त जंग करने वाले थे मैदान जंग में लश्कर कुरैश की आमद और उनकी आपस में तकरार जो हुई अख्तिलाफ़ात जो हुए इसके बारे में लिखा है कि जब कुरैश मैदान बदर में उतरे तो उन्होंने उमेर बिन वहाब को भेजा कि जाओ देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने जंग हैं तो उमेर ने अपने घोड़े को लश्कर इस्लाम के गिरद उड़ाया और फिर क्रैश मक्का के पास आकर कहा कि मेरे नज़दीक तो ये लोग 300 के अंदाज़े में कुछ कम या ज़्यादा होंगे फिर दोबारा देखने की गरज से लौटा कि कहीं लश्कर इस्लाम की मदद के लिए कोई पुशीदा कमीन इन तो नहीं उमैर बिन भाव अपने घोड़े को दौड़ा कर बहुत दूर तक निकल गया वहाँ से वापस आकर कहा कि इनकी मदद तो मालूम नहीं होती मगर एक क्रैश मैंने देखा है कि तुम पर बलाएँ मौत को लेकर नाजल हो रही हैं मैंने ऐसी ऊँटनियाँ देखी हैं जो मौतों को उठाए हुए हैं यसरब के ऊँट यकीनी मौत उठाए हुए हैं वो ऐसी कौम हैं जिनके पास दिफा का कोई सामान नहीं और उनके पास तलवारों के अलावा कोई पनाह गाह नहीं इनमें से कोई कत्ल ना किया जाएगा यहाँ तक कि वो हम में से एक, -एक आदमी को कत्ल कर ले अगर उन्होंने अपनी गिनती के मुताबिक हमारे आदमियों को कत्ल कर डाला तो इसके बाद ज़िंदगी में क्या लुत्फ़ रहेगा अब जो तुम मुनासिब समझो करो अपना उसने एक ख्याल पेश किया सारा जायदा ले कर हकीम बिन निज़ाम ये बातें सुनकर उतमा बिन रबिया के पास आया और उसे कहा कि तू कुरैश में बरगुज़ीदा और सरदार है लिहाजा लोगों को वापस ले जाओ और अमर बिन हदरमी का खून बहा अदा कर दो उतमा ने कहा मुझे मंजूर है पसतुम इबन हंजला यानी अबू जहल अबू जहल के वालिद का नाम हंजला था उसके पास जाओ फिल्च हकीम बिन निज़ाम इस मकसद के लिए अबू जहल के पास गया और और कहा कि मुझे उतमा ने तुम्हारे पास भेजा है कि वो दियत अदा कर दे कर देगा तुम कुरैश को वापस ले चलो अबू जहल कहने लगा कि उतबा ने जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है वो डर गया है और बुजदली का मुजाहरा करने लगा है हरगिज़ नहीं ब खुदा हम नहीं लौटेंगे यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फैसला कर दे अबू जहल ने यह भी कहा कि उत्बा इसलिए हमें जंग से रोक रहा है कि वो जानता है कि मुसलमान हमारे लिए ऊँट के एक नवाले की तरह हैं यानी बहुत ही आसानी से हम उन्हें कत्ल कर देंगे और इन मुसलमानों में उतबे का उतवा का बेटा भी है उतवा का बेटा मुसलमान हो गया था शायद अपने बेटे की वजह से भी जंग नहीं करना चाहता बेटे की वजह से उतवा के ये बेटे हजरत अबू जैफा थे जो मुसलमानों की तरफ से मैदान बदर में मौजूद थे जब उतवा को अबू जहल की तरफ से बुजदली किए इस ताने की खबर पहुँची तो उसने कहा इस बुजदिल यानी अबू जहल को जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन बुजदिल है और डरा हुआ है बशीरम साहब ने इसकी तफसील बयान की है ये बयान करते हुए फरमाते हैं कि अब फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी पहले जंग की हालत में फौजें इकट्ठी हो रही थी और जमीन फौज थी काफरों की उस वक्त तो आलम दुआओं में थे अब फौजें सामने आ गई जंग शुरू होने लगी थी उस वक्त आज भी मैदान जंग में थे फरमाया अब फौजें बिल्कुल एक दूसरे के सामने थी मगर कुदरत इलाही का अजीब तमाशा है कि उस वक्त लश्कर के खड़े होने की तरतीब ऐसी थी कि इस्लामी लश्कर क्रैश को असली तादाद से ज़्यादा बल्कि दोगुना नज़र आता था जिसकी वजह से कुफार मरूब हुए जाते थे और दूसरी तरफ क्रैश का लश्कर मुसलमानों को उनकी असली तादाद से कम नज़र आता था जिसके नतीजे में मुसलमानों के दिल बड़े हुए थे क्रैश की ये कोशिश थी कि किसी तरह इस्लामी लश्कर की तादाद का सही अंदाज़ा यह पता लगाया जाए लग जाए ताकि वो छोटे छूटे हुए दिलों को सहारा दे सकें जो दिल डरे हुए थे उनको सहारा दे सकें इसके लिए उसायक कुरैश ने उमैर बिन वब को भेजा कि इस्लामी लश्कर के चारों तरफ घोड़ा दौड़ा कर देखे कि उसकी तादाद कितनी है और आया इनके पीछे कोई तो नहीं मफ़ी मख, नहीं, तो नहीं चुनाचे उमैर ने घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों को एक चक्कर काटा मगर तो उसे मुसलमानों की शक्ल शक्लो सूरज से ऐसा जलाल और अजम और मौत से ऐसी बेपरवाही नज़र आई कि वो सख्त मरबूब होकर लौटा और क्रैश से मुखातब होकर कहने लगा कि मुझे कोई मखफी कमक वगैरह तो नहीं नज़र आई लेकिन एशरे कुरेश यानी क्रैश की जमात मैंने देखा है कि मुसलमानों के लश्कर में गोया ऊँटियों के कुजावों पर कुजावों ने अपने ऊपर आदमियों को नहीं बल्कि मौतों को उठाया हुआ है और यसरब की साड़ियों पर गोया हलाकतें सवार हैं कुरैश ने जब ये बात सुने तो इनमें एक बेचैनी सी पैदा हो गई सुराका जो उनका जामन बनकर आया था कुछ ऐसा मरूब हुआ कि उल्टे पाँव भाग गया और जब लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा कि मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो तुम नहीं देखते हकीम बिन ने उमर की राय सुनी तो घबराया हुआ उतबा बिन रबिया के पास आया और कहने लगा कि अय उतबा तुम मोहम्मद सल वम से आखिर अमर हजरमी का बदला ही लेना चाहते हो तो वो तुम्हारा हलीफ था क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसकी तरफ़ से खून बहा अदा कर दो और क्रैश को लेकर वापस लौट जाओ इसमें हमेशा के लिए तुम्हारी नेकनामी रहेगी उतबा जो खुद घबराया हुआ था और उसका क्या चाहिए था झट बोला कि हाँ हाँ भैया ठीक है मैं राजी हूँ और फिर हकीम कहने लगा वो हकीम बिन निज़ाम को देखो कि ये मुसलमान और हम आखिर आपस में रिश्तेदार ही तो हैं क्या ये अच्छा लगता है कि भाई भाई पर तलवार उठाए और बाप बेटे पर तुम ऐसा करो कि अभी अबुल हकम यानी अबू जहल के पास जाओ और उसके सामने की तजवीज़ पेश करो और इधर उतबा ने ख़ुद ऊँट पर सवार होकर अपनी तरफ से लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि रिश्तेदारों में लड़ाई ठीक नहीं है हमें आपस में लौट जाना चाहिए हमें वापस लौट जाना चाहिए और मोहम्मद को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए कि वो दूसरे कबायल अरब के साथ निबटता रहे जो नतीजा होगा देखा जाएगा और फिर तो तुम देखो कि इन मुसलमानों के साथ लड़ना भी कोई आसान काम नहीं है क्योंकि खा तुम मुझे बुजदिल कहो हालांकि मैं बुजदिल नहीं हूँ मुझे तो ये लोग मौत के ख़रीदार नजर आते हैं अलैहि वसल्लम ने दूर से उतबा को देखा तो फरमाया अगर लश्कर कुफार में से किसी में शराफत है तो इस सुरख ऊँट के सवार में ज़रूर है अगर ये लोग इसकी बात मान लें तो उनके लिए अच्छा हो लेकिन जब हकीम बिन हज़ाम अबू जहल के पास आया और उससे ये तजवीज़ बयान की तो वह फिर उम्मत भला ऐसी बातों में कब आने वाला था छुटते ही बोला अच्छा अच्छा अब उतपा को अपने सामने अपने रिश्तेदार नजर आने लग गए और फिर उसने फिर उसने अमर हजरमी के भाई आमिर हजरमी को बुलाकर कहा कि तुमने सुना तुम्हारा हलीफ उतपा क्या कहता है और वो भी इस वक्त जबकि तुम्हारे भाई का बदला गोया हाथ में आया हुआ है आमर की आंखों में खून उतर आया और उसने अरब कौम के अरब के कदीम दस्ूर के मुताबिक अपने कपड़े फाड़ कर और नंगा होकर चिल्लाना शुरू किया वाह अमरामरा हो वाह अमरा हो हाय अफसोस मेरे भाई बग़ैर इंतकाम के रहा जाता है हाय अफसोस मेरे भाई बग़ैर इंतकाम के रहा जाता है इस तहराई आवाज़ ने लश्कर कुरश की सीनों में अदावत के शोले बुलंद कर दिए और जंग की भट्टी अपने पूरे ज़ोर से देखने लगी फिर और फिर उसके बाद जब जंग शुरू हुई है उसकी इन श

ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ويتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر